धरती पर जीवन की अहम जरूरतों में से एक। इंसान हो या जानवर, प्रकृति की इस देन के बिना जीवन की कल्पना नामुमकिन सी है। नदियों का देश भारत तो इस मामले में धन्य है। जहां आज एक तरफ गंगा यमुना जैसी नदियां तन और मन को पावन कर रही हैं, वहीं सतलुज रावी जैसी नदियां देश को पाल पोस रही हैं। इसका एक उदाहरण है पंजाब। मिट्टी सोना, पानी अमृत और हवा मम स्पर्शी। वीरता, देशभक्ति, अपनापन और प्यार से भरी ये जमीन आज पहचान है एक खुशहाल भारत की, और इसकी पहचान है यहाँ बहते दरिया, जिनसे बना है इसका नाम पंजाब। पंजाब वो धरती जहां गुरु नानक देव जी के कदम पड़े। इस महापुरुष का संबंध यहाँ की मिट्टी से ही नहीं, यहाँ बहती नदी काली बेई से भी है। जे ये जो पावन पवित्र बेई है जिस दे विच असी जिस बेई नू देख रहे हैं, ये वो पवित्र इतिहासिक बेई है जिस विच साहिब श्री गुरु नानक पातशाह ने टुब्बी लगा के 3 दिन पिछों बाहर आए ते तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई का उच्चारण किया। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अलाही बाणी का आगमन, मूल मंत्र का जप जी साहब का आगमन इस धरती तो होया। ये साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बाणी के आगमन स्थान होने का इस धरती नू, इस पवित्र बेई नू माण प्राप्त। समय बीतता गया, बदलाव होता गया, पंजाब विकास की राह पर चल आगे बढ़ने लगा। कारखानों और सीवरेज का गंदा पानी नदियों में मिलने लगा। काली बेई पवित्र नदी से गंदे नाले में तब्दील हो गई। जो पानी अमृत था वो जहर बन गया। जल के प्राकृतिक स्रोत खत्म होने लगे, धरती सूखने लगी और हवा में सांस लेना तक दुश्वार हो गया। ऐसे में सुल्तानपुर लोधी में जन्मे संत बलबीर सिंह ने काली बेई को अपने पुराने रूप में लाने का बीड़ा उठाया और निकल पड़े इस मिशन पर। संत बलबीर सिंह, हाथ में कड़ा, शरीर पर सादा लिबास और दिल में आस्था, उस काली बेई के लिए जो गुरु नानक देव जी की भक्ति और आस्था का प्रतीक है। संत बलबीर सिंह ने काली बेई को साफ करने की शुरुआत की। आखिरकार काली बेई साफ हो गई। वो नदी जिसमें कूड़े का अंबार था, बेइंतहा घास थी और पानी इतना दूषित था कि जलीय जीव मरण तक पहुंच गए और इनके साथ खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हमारी धरोहर। जेकर असी इन्हों ना साफ किया तो साड़ियाँ आने वाली पीढ़ियां साढ़े ते उंगलां करनगियां कि साडे बजुर्गां ने, साडे वड्डियां ने साडी इतिहासक धरोहर जिहड़ी सी इहनू खत्म कर दिता। काली बेई एक बार फिर अपने पुराने रूप में आ गई। फिर उसकी पवित्र जलधारा बहने लगी। साथ ही उन्होंने इस नदी के किनारे एक सड़क भी बनवाई ताकि लोग आसानी से आ जा सके। नदी की हालत में सुधार आने से प्राकृतिक स्रोत फिर से जीवित हो उठे। खेतों को भी सिंचाई के लिए साफ सुथरा पानी मिलने लगा। इसके साथ ही पीने के पानी की समस्या भी काफी हद तक दूर हो गई। बलबीर सिंह ने अब सिंचेवाल गांव को एक आदर्श गांव बनाने की ठान ली। गांव में पहली समस्या थी सीवर के गंदे पानी की। हर गली की नाली में बहता सीवर का पानी बहुत सी बड़ी समस्याओं को जन्म दे रहा था। बीमारियां तेजी से फैल रही थी। बलबीर सिंह ने गांव वालों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे गांव में सीवरेज डाला। उन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया।
इस प्लांट को भी बलबीर सिंह ने खुद ही विकसित किया। पहले सीवर का सारा पानी गांव के बीच बने गड्ढे में जाता था, लेकिन सीवर लाइन डालने के बाद अब पानी गांव के बाहर बने प्लांट में पहुंचता है, जहां पर 3 हौज हैं। इनमें बारी बारी से पानी की सफाई होती है और साफ पानी को एक तालाब में इकट्ठा कर लिया जाता है। सब तो पहला पानी जरा है इस हौज दे विच इकट्ठा होंदा, ये पानी दे विच जड़ी सॉलिड वेस्ट आ जड़ा थले भारी चीजा ओ इहदे विच रह जांदी है, ते इस तो बदल के यही पानी जड़ा है ये दूसरे हौज विच आ जांदा। तुसीं देख रहे हैं कि इहदे विच जो भी तद्याई हुंदी है, तेल हुंदा जां कोई भी जड़ी हैगी है तरन वाली चीज है, वो इहदे उपर आ जांदी है ते पानी साफ हो के नित्र के इहदे थल्लों दी हो के तीसरे हौज दे विच पै जांदा। आ तुसीं देख रहे हो कि पानी बिल्कुल जिहड़ा हैगा जदों तीसरे हौज विच आया ते ये पानी दी तद्याई इहदे विच नहीं साफ हो गया। इस तो अगे जिहड़ा है ये पानी जिहड़ा है इस छप्पड़ दे विच पै जांदा, तलाब दे विच पै जांदा जिहनूं असीं अगे। इस सीवरेज सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ना तो आज तक बंद हुआ है और ना ही इसको साफ करने की जरूरत पड़ी, जबकि इसे बनाए हुए 12 साल बीत चुके हैं। तालाब के किनारे लगे ट्यूबवेल से पानी को सिंचाई के लिए खेतों में पहुंचाया जाता है। जो पिंड का गंदा पानी सी छप्पड़ दे विच इकट्ठा करके नतार के यही पानी अज जिहड़ा है ये खेतों में आ रहा, ते इस पानी दे नाल ही आ जिहड़ा असी झोना भी लावांगे ते होर भी फसलां नूं यही पानी जिहड़ा है दित्ता जांदा, जिहदे नाल बिना खाद पाउण तों बिना जिहड़ा है होर किसे विशेष खाद तों बिना इहदे विच बहुत वधिया जिहड़ी आ फसल हुंदी आ, ते इह पानी जिहड़ा अग्गे साडे पिंड वास्ते सराप बणिया सी हुण इह वरदान सिद्ध हो रिहा। इस पानी के खेतों में पहुंचने से किसानों को अब अपने ट्यूबवेल चलाने की जरूरत नहीं, इससे धरती का जल स्तर बरकरार रहता है और किसानों को भी कई तरह से फायदा पहुंचता है। फायदा बहुत होया जी पानी का, जो साढ़े पिंड होया खाद भी बहुत पाई दी नहीं जी, बिल्कुल इसे पानी तो फायदा लेता जी, बाकी साढ़े 14-15 किले इसे पानी ना पान डे तो बहुत वधिया हुंदा वा, तो पिंड दे विच भी कोई दिक्कत नहीं आती, भावें जिन्ना मर्जी मीह पै जाए तो पानी खड़ोल नहीं देता जी। इतना ही नहीं, सींचेवाल को दूसरे गांव और शहर से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण भी बलबीर सिंह ने करवाया। इसके लिए पूरे गांव ने इनका साथ दिया। इसके बाद इन्होंने बच्चों का भविष्य बदलने के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला। ये स्कूल खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। यहाँ पढ़कर कई लड़के लड़कियां अपने पैरों पर खड़े हुए, क्योंकि यहाँ पर सामान्य शिक्षा के अलावा तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। बलबीर सिंह खुद कॉलेज में छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई करते हैं। इनकी पढ़ाई में कहीं कोई कमी न रह जाए इसके लिए हर चीज मुहैया करवाते हैं। इनमें ये बेहतरीन लाइब्रेरी भी शामिल है। इसके अलावा इंटरनेट के साथ कंप्यूटर लैब कॉलेज को पूरी दुनिया से जोड़ती है। भारत जैसे विकासशील देश में एक गांव में इतना कुछ मुहैया करवाना अपने आप में एक बड़ी बात है। इंसान और कुदरत के बीच रिश्ता बहुत गहरा है, इसलिए अगर पर्यावरण खराब होगा तो इसका खामियाजा इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। इस बात से बलबीर सिंह बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए वो हर पल पर्यावरण को बचाने में लगे रहते हैं। दूषित हो रहा वातावरण, जिस करके आज आप देख रहे हैं कि साह लेना भी औखा होया, इसे तरह ही इस धरती के उत्ते भी सी अज तो 5-7 साल पहला जो ये सेवा का कार्य शुरू होया, तो ये जड़े दरख्त लाने शुरू किए जिन्हों के नाल असी देख सकते हैं अज इन्हों के उत्ते किन्ना खुश ना, ये आप भी खुश आ ते अज ये साफ सुथरी साह दे रहे हैं, साफ सुथरा असी साह ले रहे हैं। पढ़ाई और प्रकृति का ख्याल रखने वाले बलबीर सिंह खेल कूद का भी ख्याल रखते हैं।
वो चाहते हैं कि सीचेवाल गांव के बच्चे, यहाँ के लोग किसी मामले में पीछे न रहें। इसलिए उन्होंने खेलने के लिए जगह और सामान दोनों चीजों का इंतजाम किया है। यहाँ आसपास के 20 गांवों के बच्चे आते हैं। इसी वजह से ये लोग काफी आगे तक बढ़ पाए। बलबीर सिंह के इतने सारे कामों से लोगों को इतनी प्रेरणा मिली कि वो अखबारों की सुर्खियां बन गए। इन्हीं में से एक अखबार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान पढ़ा और बलबीर सिंह से मिलने सीचेवाल गांव चले। अब्दुल कलाम इस गांव में बलबीर के किए विकास कार्यों को देखकर इतने खुश हुए कि वो खुद को उनकी तारीफ करने से रोक ना पाए। इतना कुछ करने के बावजूद बलबीर सिंह के कदम नहीं रुके हैं। वो तो हर लम्हा हर पल दूसरों के बारे में सोचते आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी आगे भी यही कोशिश है कि दूसरों के रास्तों की रुकावटों को हटाकर जिंदगी की राह को आसान बनाएं। वर्तमान की तरह भविष्य की राह भी आसान हो जाएगी। जरूरत है तो बस इस बात की कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने आसपास मौजूद कुदरत के अनमोल तोहफों को सहेज कर रखें। यही संत बलबीर सिंह की समाज को प्रेरणा है। ऐसी कुदरत दे नालों टुट चुके हैं, सानू लोड है कि इस कुदरत दे नाल जुड़िया जावे ते इस कुदरत दा सत्कार कीता जावे। ए जो भी कारज आ बेइयां दरिया धरती इस नू हरिया भरिया करन वास्ते सानू सारिआं नू लोड़ है। वध तो वध दरख्त लाइए, वध तो वध आला दुआला साफ सुथरा रखिए। जिहड़ी साडी आउण वाली पीढ़ी है उसनू वध तो वध पढ़ाइए, उहदे वास्ते जतन करिए। संत बलबीर सिंह पानी के उस दरिया की तरह हैं, जिधर से बहता है वहां जिंदगी बिखेर देता है। इसकी मौजों के सहारे मिलता है किनारा, पत्ता पत्ता इसके स्पर्श से झूम उठता है। इसकी छुअन से मानो आत्मा तक हो जाती है पवित्र और खत्म हो जाती है दुखों की तपिश।